यूपी के कौशाम्बी में विधानसभा चुनाव पूरे शबाब पर है। चायल विधानसभा की सपा प्रत्याशी पूजा पाल के समर्थन में आधा दर्जन गांवों में नुक्कड़ सभा का आयोजन कर जनता से वोट की मांग की गई। पहली नुक्कड़ सभा पट्टी परवेजाबाद में हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मंझनपुर विधानसभा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज शामिल हुए। मंच संभालते ही वह भाजपा पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ जुल्मेबाजी करते हैं। उन्होंने जनता को धोखे में लेकर सत्ता हासिल की है। महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर दिया। जब सिलेंडर दिया गया तो उसकी कीमत 500 रुपए थी, लेकिन आज गैस सिलेंडर की कीमत 1000 हो गई है। अब मोदी जी के गैस सिलेंडर एवं चूल्हे में मकड़ी के जाले लग गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को समाजवादी पेंशन योजना अच्छी नहीं लगी, इसलिए इस योजना को भी बंद कर दिया गया। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 500 रुपए के बजाय महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन धोखेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज यूरिया महंगी हो गई है और वजन भी कम होता जा रहा है। 50 की जगह 45 किलो यूरिया बोरिया में भरी जा रही है। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पेंशन योजना शुरू किए थे, भाजपा वालों को अच्छा नहीं लगा, बंद कर दिए। महिलाओं को पेंशन मिलना बंद हो गई। लेकिन महिलाओं बहनों याद रखना, अगर पूजा पाल को जिता दिए, मुझे मेरे लोगों ने जिता दिया, पल्लवी को लोगों ने जिता दिया, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो 500 की जगह 1500 रुपया महीना पेंशन देंगे। 1500 रुपया महीना पेंशन देंगे, 1000 का सिलेंडर भरा लेना और 500 रुपया में मांस मछली दाल का इंतजाम कर। क्यों गलत तो नहीं है? ये घोषणा पत्र मेरे जेब में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने कहा 1500 रुपया महीना महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। इन धोखेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है। इन्होंने बर्बाद करके रख दिया जो है वो। आज यूरिया महंगी हो गई और भर्ती कम हो गई ना, 50 की जगह 45, अब महंगाई बढ़ गई। बुआई के समय में मिलती नहीं, डीएपी मिलती नहीं, ये आलम हो गया है। और पासी मुसलमान सबसे ज्यादा तेल खाता है सरसों। 100 रुपया किलो सरसों का तेल होता था, आज 200 पार कर गया कि नहीं पार कर गया? 200 पार कर गया सरसों का तेल। 40 रुपया किलो लेना। और यहाँ के कोटेदार कौन है? वो भी राम आप है, नन्हे हैं। हाँ, नन्हे के कोटे में